ज्ञान से रोशन कर दे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। निरक्षरता अभिशाप है और साक्षरता वरदान। पिछली कड़ी में आपने देखा कि मजदूर समुदाय के विक्रम और गौरी अपने प्रेम में लीन होकर भविष्य में शादी के ख्वाब देखते हैं। उधर राधा मैनेजर गिरधर के द्वारा बेइज्जत होने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। सारे मजदूर टोले पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। एक समाज सेविका रेणुका ने अपने आसपास के अशिक्षित वर्ग में शिक्षा फैलाने का बीड़ा उठा रखा है। रेणुका विक्रम और गौरी से मिलती है और उनको समझाती है। मैनेजर राधा की मौत पर दूसरे मजदूरों को पैसे देकर उनकी सहानुभूति लेने की कोशिश करता है। राधा का दाह संस्कार कर दिया जाता है। पूरे समुदाय में चूल्हा तक नहीं जलता। राधा की सहेली चंदेरी राधा की मौत से दुखी होकर टोले को बताती है कि राधा की मौत का कारण गिरधर ही है। सब मजदूरों में गुस्से की लहर दौड़ जाती है और अब देखें इससे आगे। माधो काका, अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ही लोग बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। नहीं, मैं उस गिरधर को नहीं छोड़ूंगा। अरे राधा हमारी बहन थी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा, भले ही फांसी पे चढ़ जाऊं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तुम उसको छोड़ भी दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग जोश में होश मत हो, सब बैठ जाओ और माधव काका की बातें ध्यान से सुनो। देख बेटा, जो गुस्सा तुझमें है ना, वही गुस्सा सब में है। जुलम बर्दाश्त करना कोई नहीं चाह रहे। हम लोगों की मजबूरी ऐसी है कि खून का घूंट पी के रह जाना पड़े। वो लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, ताकत वाले हैं, हम उनसे कैसे लड़ सके। तू उनसे लड़ेगा, तू ने मारने की कोशिश करेगा। पहली बात तो तू ने मारेगा, उससे पहले वो तुझे मार देगी। और फर्ज करो तूने उन्हें मार भी दिया तो बाकी सारे के सारे भूखे मर जाएंगे। अरे उनको मार देने से क्या राधा वापस आ जाएगी? उसके साथ जो जुलम हुआ वो खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, जुलम खत्म परमात्मा ही कर सके, हम लोग कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। भगवान करेगा, सुख करेगा। शांत रह बेटा, शांत रह। कानून के सहारे तो कुछ हो सकता है? देख बेटा, कानून पैसे वालों का है, कानून पढ़े लिखों का है। हम ना वकील की फीस भर सके, ना हम उनकी बात समझ सके, ना हम उन्हें जवाब दे सके। हमें अदालत में घुसने कौन देगा? हम कानून की लड़ाई उनसे नहीं लड़ सके। क्या बिगाड़ लेगा कानून उनका है? मैं पूछता हूं, क्या बिगाड़ लेगा कानून उनका? कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कानून उनका। वो लोग एक नंबर के झूठे और अव्वल नंबर के बदमाश हैं, समझे तुम लोग? मीठी मीठी बातें करकर, हमदर्दी जताकर, तुम लोगों को चंद रुपए देकर मन चाहे लेखन पर अंगूठा लगवा लिया तुम लोगों से। और जानते हो उस पर क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि राधा की मौत का
25,000 रुपया मुआवजे के रूप में तुम लोगों को दिया गया। और राधा की मौत जिस वक्त हुई थी उस वक्त बिल्डर का कोई भी आदमी बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। और ये सब बातें वो अपने आदमियों को डींगे मार मार कर कह रहा था। मैंने अपने कानों से सुना है ये सब। कुछ कर सके हम कुछ नहीं कर सके। अरे जो बात यहाँ हो रही है वही उन तक पहुंच गई तो आफत आ जाएगी सब पे। कुछ नहीं रखा है सारी बातों में, कुछ नहीं रखा है इनसे लड़ाई झगड़ा करने में। चुपचाप घर जाओ, पत्थर पे पत्थर रख के जैसे मकान बनाओ उस तरह से दिल पे पत्थर रख के सो जाओ। कल तुम्हें मजूरी पे आना है, मजूरी करोगे तो रोटी खाओगे। जाओ सब जाओ और जाके सो जाओ। जाओ, भगवान करेगा जो करेगा, भगवान करेगा। आखिरी बार माफ कर गई? नहीं। अब हमसे ऐसा कौन खता हुई गई तो तू हमका माफ नहीं कर रही? तू थोड़ी ही गलती करत है। गलती तो हमरी हुई जो तौके दिल लगाए बैठी। राधा का राधा, तौका फिकरी का है राधा की? राधा मर भी जाए तो? अब अगर दोबारा मरने की बात की तो त्योहार से पहले हम ही मर जाऊं। अब तू काहे अपने मने की बात कर रहा था? तू अच्छी तरह से जानता है कि हम तोहरे बगैर ना ही रह सकते। का गिला चुपा चलत रहा तो प्रेमियन में? कुछ नहीं भौजी, देखो तो गोविंदा अपने मने की बात करके हमका रुलावत है। क्यों गोविंदा, काहे सतावत रहे हमारी प्यारी सी राधा को? ये बात तो सच्चा भौजी कि राधा है ही बहुत प्यारी। अबू देखो ना कि हम इसे कितना प्रेम करते रहे और ये हमसे हमेशा नाराज रहे थे। काहे राधा काहे सतावत रही हमारे देवर जी को? सच तो ये है भौजी कि अगर ये हमको और सतावत रही ना तो मर जाऊं हम वही मर जाऊं। Ha ha ha!
भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हम सब है ना, वो बुढ़ा माधव कहत रही ये पैसा हमारे पास रख जाए। अरे काहे रख जाऊं भाई, बेटी हमारी मरी है कि उसकी किसकी मरी है? सेठ बेटी मरी मरी। तो अभी पैसा सेठ ने हमका दिया, हम अपने पास रखोगे ना? बिल्कुल सेठ, एकदम करेक्ट जा रहे हैं। अब अभी पैसे का खूब दारू पीऊंगा, अपनी बीबी हमको कहीं छोड़ के चली गई, अब पीना शुरू की। हमारे पास अपनी राधा तो थी, तो भी हमको छोड़ के चली गई। बस बहुत हो गया, अब हम पी के मर जाए। एकदम करेक्ट, जहर का के मरना बुजिल का काम है, दारू पी के मर जा शेरवेल का काम है। अच्छा 100 रुपए, ऐसे 100 रुपए अब तो का पैसा थी ना? इधर नहीं दी ये। अरे वाह से। अच्छा चल गए, कल के आई ना? पैसा है ना मेरे पास? है ये सर, पैसा सच्ची में है ना मेरे पास? अरे है ना भाई, तू कल के आई? ठीक है चल। हाँ अभी चल चलता। लिखा है मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मेरा कोई भरोसा नहीं है, शायद 2-1 दिन में चला जाऊं। साइट पर फोन किया था पर कोई भी फोन पर नहीं बुलाता है, यह तुम्हारी तरफ ही रहता है, इसके हाथ खत भेज रहा हूँ, तुरंत आ जाओ और अपनी अमानत ले जाओ। तुरंत क्या आ जाओ? आज तो तीसरा दिन हो गया। अच्छा बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। का होगा पैसा नहीं मिलेंगे का? कहा बताई, सुबह जाके देखी। ये कोई 9,000 रुपए के करीब मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी, बच्चों का पेट काट काट कर जो भी कुछ जमा करता था सब उनको दे आता था, जरूरत पड़ने पे ले भी आया करता था। बड़े अच्छे आदमी, बचपन में उनके यहां बर्तन साफ किया करते। आज तू काम पे नहीं है ना, इसलिए तू ये खत ले जा और ये दिखा के पैसे संभाल के ले आ बेटा। ठीक है काका, मैं ले आऊंगा। तू पता ठीक से समझ गया ना? हाँ समझ गया समझ गया। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तू लगा लेना, मैं बाद में दे दूंगा। अरे कर लूंगा काका, सब कर लूंगा। हो जाएगा, मैं चलता हूं। दोस्त है यू का लिखा है, पढ़ना नहीं आता, गांव से आए, पढ़ना नहीं आता तो बोर्ड के पास आकर क्यों खड़े हो गए? ये इंग्लिश में नहीं, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखा हुआ है। तुझे पढ़ना नहीं आता ना तो मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। मैं पढ़ाई तेरे लिए नहीं किया हूं कि ये पढ़ कर मैं तुझे सुनाता रहूं, मुझे जल्दी जाना है, समझा? चल हट, हट। आ जाते हैं काका, जल्दी जाना है। दुठो हड्डी एठो मुंडी, यू निशान तो बिजली खंभे में लगा रहा था, यह कौन हो बिजली घर, उसे हम कर लेने देना। चल गुड़देहो के शक्कर खाई डारी, गुड़देहो के शक्कर खाई डारी, गुड़देहो के शक्कर खाई डारी, गुड़
दे हो किस कर फायदा यू का। अरे मोर पप्पा भाग, बचाओ 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 बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे बाप रे बाप बचाओ, अरे 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 बचाओ, अरे ऊपर क्या कर रहा है? नीचे उतर, नीचे उतर। अरे भैया वो दुर्गा जी की सवारी पीछे लग गई रहे। चल उतर उतर उतर, नीचे उतरता हूँ, जाओ ना कहीं। धीरे 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 गिरेगा। उतरता हूँ। अरे दादा बहुत खतरनाक जानवर रहा है भाई। क्या कर रहे थे यहाँ पर है? क्यों आए थे? अरे हम आ रहे हैं शॉर्टकट के चक्कर में, हमका जायका है चित्रकूट सोसाइटी। मूर्ख है, शॉर्टकट के चक्कर में तेरी जिंदगी का शॉर्टकट हो जाता। जनार्दन जाने दो इसे, मूर्ख है, चलो इसे बाहर छोड़ देते। चल चल गाड़ी में बैठ। इतना बड़ा बोर्ड लगाया, अंधे थे क्या? साहब पढ़े लिखे होते तो ये मुसीबत में फंसते का? तो आज तक वो लड़का पहुंचा नहीं, वो सामान आज तक पहुंचा नहीं, वो लड़का आज तक अपने घर पहुंचा। अरे मतलब लपाता जी, देवीदास जी से मिलना है, ये चिट्ठी। बैठो। आप कौन? जी मैं विक्रौली फाटक से आया हूँ, और बिशन काका ने हमका भेजा है। चौधरी साहब 3 दिन पहले लिखा गया खत आज बंदा आया है। देखो भाई, देवीदास जी का स्वर्गवास हो चुका है, और आज सुबह ही हम उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। जी जी, फिर वो काका के पैसे हमका लेके आया क्या बोले रहे? अब तुम्हारे पत्र में ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं कि उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, उन्होंने तो सिर्फ इतना लिखा है कि इसमें कुछ अमानत उनके पास है। हाँ वही अमानत, काका के पैसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करत रहे, हुए 9,000 रुपया। बात कुछ समझ में नहीं आई मित्र, जगह जगह में हर कोने में इतने बैंक होते हुए भी तुम्हारे काका मेरे पिताजी के पास अपने पैसे जमा कराने इतनी दूर क्यों आया करते थे? का बताई साहब, हम लोग अनपढ़ गवार आदमी बैंक के नाम से ही डरते हैं, ओके अंदर का जाएंगे का खाक। अब हमार कौनो आदमी वहां नहीं जाते। इट इज करेक्ट, इस तरह के बहुत लोग और ज्यादातर कम आमदनी वाले लोग बैंक आने जाने से घबराते हैं। बैंक आना जाना, फॉर्म भरना या बैंक में ट्रांजैक्शन करना इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। चौधरी साहब बोलिए, झंझट कौन मोल ले? ये लोग बहुत आसान सी जिंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं। बिल्कुल, सुबह शाम अपना काम किया, जो कुछ पैसे मिले उसमें दारू पी, खाना खाया और सो गए। ठीक कह रहे हैं आप, ये सब झंझट पालना इनके बस की बात है नहीं। ऐसा है मित्र, मैं देवीदास जी का बड़ा लड़का हूँ, दरअसल मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, 6 महीने पहले ही मेरी पोस्टिंग नेवी में हुई है, तो मुझे पता नहीं है कि उनके लेन देन उनके हिसाब किताब क्या है। मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगे,
खातून के साथ सलाह मशवरा किया जाएगा। अगर उन्होंने उचित समझा, वो क्या नाम बताया अपने काका, वो बिशन काका, बिशन काका को उनके पैसे दे दिए जाएंगे। पर मुझे लगता नहीं कि बिना लिखा पढ़ी के कोई आदमी किसी को एक रुपया भी देगा। का बताई सरकार, हम लोग विश्वास करते हैं और विश्वास है भी जिंदा राहत है। जहां तक विश्वास का सवाल है मित्र, विश्वास का रिश्ता तो देवीलाल जी और तुम्हारे काका के बीच में था, तुम्हारे और मेरे बीच में तो कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अगर कोई सबूत होता तब तो मैं तुम्हारे पैसे दे देता। अब तो ये फैसला सारे घर वाले इकट्ठे होंगे तभी होगा। ये अपना खत लीजिए आप, और दो तीन दिन में जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तब आप आ जाइएगा। बेटा ऐसा बोल रहा है तो लोग भी ऐसे ही बोलेंगे ना, न सबूत मिलेगा और न पैसा। देवीदास बाबू की चिता के साथ मेरी पैसा पैसा करके जमा की हुई पूंजी भी जलकर राख हो गई। बेटा बाबूजी तो सुहा हो गए पर मुझे सीते जी मार गए। अब क्या होगा, और ये किस्मत मेरे बच्चों की। का मतलब तो यही हुआ ना कि वो पैसा आप कबाऊ नहीं मिलेगा। इन पैसों से हम काका सोच रहे हैं, इन बच्चन के वास्ते, इस घर के वास्ते। बर्बाद हो गए हम। घबराओ नहीं काकी, तुम्हारा पैसा जरूर मिलेगा। जमाना सबूतों का है ना, अगर देवीदास जी का लेस भर भी खून हुआ ना तो हमारा पैसा नहीं रखेंगे। काका, काकी का समझाओ। गोरी बली तक पैदल गया था, पैदल आया हूं, बहुत थक गया हूं, भूख भी बहुत जोर से लग रही, अभी चलता हूं। हाँ जी बेटा। अरे अरे, ये क्या कर रही, कहाँ गए थे अब तक? अरे वो बिजना काका काम से बोरी बली तक गया था, बहुत थक गया हूँ और भूखो बहुत लग रही है। मेरे राजा, भूख से तेरी जान निकली जा रही है तो क्या मेरी जान नहीं निकली जा रही? अरे तो तूने खाना कहा है नहीं खाया? तुम मुझसे बिना मिले बिना बताए गायब हो जाओगे और हमका बैठ के खाते रहेंगे? ये सब तुमका तब पता चलेगा जब तुम हमसे उतना ही प्यार करोगे जितना हम तुमसे करते हैं। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तू इस तरह मुझे बिना बताए कहीं जाओगी। विक्रम, मैं कहीं जाऊंगी ना तो तुझसे पूछ कर ही जाऊंगी। मैं थक के बहुत चूर हो गया हूँ। हम भी बहुत थक गए। अरे मैं तो बोरी बोरी तक पैदल गया था, पैदल आया हूँ, तू यहाँ धरे धरे कैसे थक गई भाई? तोहरे इंतजार में जब झोपड़ों के सामने चक्कर लगाते लगाते थक जाती थी तो भाग कर गेट पर जाती थी। तू अब आ रहा होगा, तू आता नहीं था तो उदास होके वापस आ जाती थी, फिर गेट पर जाती थी, फिर वापस आती थी, फिर गेट पर जाती थी। अरे जब मैं यहाँ आया था तू ना गेट पर थी और ना यहाँ। हम गेट पर ही खड़े थे, जब दूर से तुका आते देखा तो भाग कर घर आ गए। हमका लगा तू हमारे घर आएगा पहले, पर तू तो बिस्ना काका के यहाँ चला गया। फिर हम गुस्सा हो गए, खोलते हुए तेरे पीछे आ गए, फिर कान लगा कर सारा मामला सुना और तब जाके हमको पता चला। इसलिए तुका माफ कर रहे है, वरना वरना का वरना वरना तुझे खा जाती। गौरी, अरे आ गौरी। आए गए मुगले आजम। आई माँ। यहाँ क्या कर रही हो? माँ सवेरे से ही कहीं चला गया था, बता कर भी नहीं गया, वही पूछ रही थी। तो क्या बोल के जाना जरूरी था क्या? और ये कौन लगा था तेरा,
पूछताछ करने का ये कौन सा तरीका है? मगर अम्मा, मगर अगर कुछ नहीं, हम का समझाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम बच्ची नहीं रही, जवान हुई गई है, और तेरा इस तरह नौजवान छोकरे के साथ नजदीकियां करना ठीक नहीं है। हमें बदनामी होता है, तू तो जानत है तुहार बापू और हम तो का कितना प्यार करते हैं, तो का सुखी देखना चाहता है। मगर अम्मा, हमसे कोई गलती नहीं हो गई। तू का कर रही थी, का गलत का सही, हम तो का साफ समझाए थे। तू तो खुद ही जीत कर रही थी कि हमको बाजार जाना है, और यहाँ जवाब तलबी कर रही हो। चल चल, ज्ञान दो, हम ज्ञान दे, अक्षरदान दो, अक्षरदान दे। बालक हो या प्रौढ़ हो, है सब शिक्षा के हकदार। फैलाए प्रकाश हर दिशा, दूर करे अंधकार। माये वरद कर डाले हम ये सपना साकार। हो शिक्षित बाल नर नारी, भारत बने महान, भारत बने